अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं मज़ेदार सा बीफ काबुली पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। और आज का व्लॉग है जी संडे का, और संडे के दिन थी मेरी ट्यूशन की छुट्टी, तो थोड़ा सा टाइम जो था मेरे पास, मैंने बहुत सारे काम करने वाले थे। तो सुबह सुबह तो मैंने घर के काम खत्म किए, खाना वगैरह बनाया है, उसके बाद मैंने यलीज़ा का यूनिफॉर्म लिया था। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मैं अम्मी के घर से ये भी मैं लेके आई थी, उसका यूनिफॉर्म मैंने वहाँ से लिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी वहाँ पे यूनिफॉर्म शॉप है, तो वो मेरी अम्मी के घर के पास है। फिर मैं गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। अलीज़ा के रिज़ल्ट के बाद मैं इसी दफ़ा गई थी, और उसके बाद ये दो रजिस्टर्स मैं लेके आई थी, मुझे चाहिए थी अपनी असाइनमेंट्स के लिए, ये मैं लेके आई थी। और ये जो था ना, एक थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का था, एक उससे थोड़ा कम साइज़ का था, और मुझे इसी साइज़ में चाहिए थे, मुझे अच्छे साइज़ में मिल गए, तो ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद ये है जी अलीज़ा की स्टेशनरी, वंस अगेन जो है ना, ये स्टेशनरी वहाँ से लेके आई है अपनी हाला से, और उन्होंने उसको दिए। तो बस यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह इसका रखा है, और ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ के लिए, क्योंकि ये श्लिंग हो जाता है धोने के बाद, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए इसकी मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। और जो पहले वाला यूनिफॉर्म है मैंने उसके साथ रखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं सेट करूँगी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने स्टिच हुई हुई शर्ट ली थी, तो उसके साथ मैंने स्लीव्स के साथ ये लेस लगानी थी। लेस ऑलरेडी मेरे एक कपड़े थे वो ख़राब हो गए थे, उसके साथ ना मैंने उतार के रखी हुई थी, तो यहाँ पर बस अब मैंने यहाँ से मशीन निकालनी है, इसको सेट करनी है और लगा लूँगी जी मैं इसके ऊपर लेस। और बाकी सारे कपड़े जो थे उनको मैंने सेट करना था, तो ये काम फिर मैंने आज के दिन पे रख दिया था कि थोड़ा सा मैं फ्री होकर ये काम कर लूँगी, क्योंकि डेली रूटीन में जो है ना ट्यूशन के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो यही काम स्टार्ट किया था, शाम का टाइम ये टाइम था, और उस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, दिन को ना मैंने खाना बनाया था अलीज़ा के लिए, सिर्फ अलीज़ा के फादर जो हैं वो तो काम पर ही थे, तो अलीज़ा की तबीयत सेट नहीं थी आज, तो उसके लिए मैंने लाइट से खाना बना दिया था। तो उसके बाद ये मैंने दही रखा था जमने के लिए दिन के टाइम पे, और ये ऑलमोस्ट जम चुका है। और हमारा जो गवाला है ना, वो हम गाय का दूध मिक्स करके देते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल पीला पीला सा बन गया दही भी। तो अब चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। अब उसके बाद हो गया था रात का टाइम, और यहाँ पे मैंने अब बनाना शुरू किया था पुलाव। और रात के लिए मैंने बनाना था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा ही ज़्यादा बनाया था रात के इस्तेमाल से ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने गोश्त था ना, मैंने यखनी के साथ बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था, पहले वो मैंने दिन में बॉयल करके रख लिया था, तो अब यहाँ पर कुकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिए ये दो मीडियम साइज़ के प्याज, मैंने ऑयल में उसको डाल देना है, ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं स्लाइसेस करके। अब उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, अच्छा सा ब्राउन कलर इसका आना चाहिए। और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये पुलाव बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, और लाइट मसालों के साथ बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया, उसको मैंने छील लिया था, और यहाँ पे मैंने इसको अपने फेवरेट ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से इसके जूलियंस बन जाएंगे। अगर आपको इससे थोड़े बड़े जूलियंस चाहिए तो आप उस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट साइज़ लगा ये गाजर का, तो मैंने बस इसके साथ इसको कर लिया है। एक ही गाजर मैंने लिया है, क्योंकि चावल मैं बहुत कम ले रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने एक कप के करीब चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने गाजर भी ली है और किशमिश भी ली है। अच्छा, किशमिश जो है ना, जो मोस्टली जो काबुली पुलाव है उसकी ऑथेंटिक रेसिपी के लिए काली वाली किशमिश होती है, लेकिन मैंने इसमें ना जो रेगुलर किशमिश होती है वही डाली है, क्योंकि मेरे पास काली वाली थी नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने गाजर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ था, उसके बाद मैंने इसको ग्रेट कर दिया है। और किशमिश को ना मैंने बड़े अच्छे से वॉश करके उसको भिगो के रखा हुआ है, थोड़ा सा उसको मैं अच्छी तरह से दोबारा से पानी से निकाल लूँगी, डंडियाँ वगैरह उसकी रिमूव कर दूँगी। यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल लिया फ्रिज से, उसको मैंने ना गला के फ्रिज में रख दिया था, तो इसमें देख सकते हैं यखनी भी है। इसमें मैंने ज़ीरा और नमक डाल के ना इसको बॉयल कर लिया था, और इसमें मैंने डाला है जी गोश्त है, गोश्त ऑलमोस्ट आधा किलो है, उसके साथ मैंने यखनी भी रख ली है उसकी। और ये यखनी जो है ना, ये मैं चावल में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है इसके ऊपर। तो इसमें मैंने एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अभी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसके साथ इसको भी अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे, और बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा आपके प्याज के ऊपर। तो उसके बाद आपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे बस अच्छे से इसकी मैं मिक्सिंग करूँगी थोड़ी सी, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेल्ट हो जाए मेरा। और उसके बाद देखिए अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पकाया। अब यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी बड़े अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज के ऊपर भी। अब इस पॉइंट पर ना मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी, गोश्त को आपने यखनी मतलब इसमें से ड्रेन करके ना सिर्फ गोश्त इसमें डालना है, और यहाँ पे आपने इसको कम से कम ही 4 से 5 मिनट के लिए इसकी ना अच्छे से ऑयल के साथ भुनाई करनी है। गोश्त यहाँ पे मैंने गला हुआ लिया है, अगर आप मतलब इस पॉइंट पे ना कच्चा गोश्त ले रहे हैं, आपने इसको गलाना है गोश्त को, तो आप उसको भी इसी पॉइंट पे डालेंगे, उसको फिर आपने 7 से 8 मिनट के लिए उसकी भुनाई करनी है। उसके बाद फिर उसको पानी डाल के आप उतना गला लें जितना कि आपको चाहिए, और यखनी का पोर्शन भी आपने उसके साथ रखना है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के इसने बॉयल करना है, तो क्योंकि यखनी जो है ना बेसिकली इसमें सारा फ्लेवर दे रही है।
अच्छा, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने अपना होममेड पुलाव मसाला पाउडर। अगर आपके पास पुलाव मसाला पाउडर नहीं है तो आप रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आप पुलाव मसाला पाउडर बना सकते हैं घर में, बहुत आसानी से बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे सिर्फ गोश्त के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला है, फिर मैं चावल के हिसाब से नमक बाद में ऐड करूँगी। और यहाँ पर 4 to 5 मिनट्स के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। अगर आपके पास गर्म मसाला पाउडर बनाने का टाइम भी नहीं है तो आप इसमें, मतलब पुलाव मसाला बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं जो रेगुलर घर में मौजूद होता है। तो उसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक डालना है टू टेस्ट इस पॉइंट पे। बाकी जो है ना नमक आपने चावल डालने के बाद ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे यखनी मैंने लिए है, चावल के हिसाब से मैं इसको नाप लूँगी। चावल ना मैंने बड़े अच्छी तरह से वॉश करके पहले से भिगो के रख दिए थे, ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए मैं इनको भिगो दूँगी। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिए है चावल के हिसाब से भी। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना गर्म होने दूँगी, मेल्ट होने दूँगी सारी जिसमें फैट वाला पोर्शन है। और यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ चुका था पानी में, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर बस मैंने इसका नमक चेक कर लिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्ची डाल दी। अच्छे सब्ज़ मिर्ची ऑप्शनल हैं इसमें, मस्त नहीं है काबिल पुलाव के लिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पुलाव में सब्ज़ मिर्ची तो इसलिए मैंने डाल दी हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप बेशक ना डालें। तो यहाँ पे बस मैंने भिगोए हुए चावल जो थे उस तरह से पानी से निकाल के इसमें मैं डाल रही हूँ। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो कवर करके आपने थोड़ी देर पकाना है ताकि चावल अच्छे से खिल जाएँ। और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स का दम दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का अच्छा सा बॉयल आ चुका था, तो इसको मैंने कवर कर देना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और कवर करके इसको मैं पकाऊँगी जब तक कि इसको दम आ जाए। और उसके बाद इसको मैंने 15 टू 20 मिनट्स का दम देना है। और दम देने से पहले क्या प्रोसेस करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक जो कम था वो मैंने इसमें इस पॉइंट पर ऐड कर दिया है। बस कवर करके इसको मैं पकाऊँगी तो ये थोड़ी देर में ना इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक पैन लेना है, आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें आपने डाल देनी है जी गाजर। गाजर डाल के आपने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करना है और उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है और अच्छा सा जो है ना उसके ऊपर एक उसका टेस्ट आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे कच्ची भी डाल देते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन इस तरह से डालने से ना बड़ा अच्छा सा आपका एक कलरफुल सा टेस्ट आ जाता है। गाजर का अपना जो टेक्स्चर है ना वो टूटता नहीं है। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, मैंने बहुत छोटे साइज़ की जुलियन ली है तो इसलिए मुझे 1 से 2 मिनट काफ़ी हैं इसको सौते करने के लिए। अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं तो आपको उसको थोड़ी देर ज़्यादा पकाना होगा। तो यहाँ पे बस मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद मैंने किशमिश जो ली हुई है ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब ली हुई है, उसको धो के मैंने अच्छे से रख दिया था डंडियाँ रिमूव करके। तो वो किशमिश जो है ना वो मैंने डाल देनी है फिर गाजर में, और उसके बाद मैं गाजर के साथ उसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। और मतलब 1 से 2 मिनट उसकी बनाई करके फिर मैंने दोनों चीज़ों को इसमें से निकाल देना है। तो इसके बाद मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी पुलाव के ऊपर। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और अब इसके बाद जो है ना बकरीद आने वाली है तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है, बहुत ईजी बनने वाली है। अच्छा, लास्ट में आप देखें पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका था, चावल दम के करीब थे। तो इस पॉइंट पे ना आपने इसमें ये सारा गाजर वाला जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है और 15 टू 20 मिनट्स का आपने इसको दम देना है लो फ्लेम पे। कोई हैवी चीज़ों पर रख के इसको अच्छा सा आप दम दे दें और उसके बाद जब इसको डिश आउट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव आपका रेडी हो चुका था। तो बस यहाँ पे पुलाव जो था वो मैंने दम के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करी थी, शाम के चाय के बर्तन मैंने वॉश किए हैं। उसके बाद दूध के बर्तन होते हैं, गोश्त जो गलाया था उसके बर्तन हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन इस टाइम पे जमा हो गए थे ऑलमोस्ट शाम के टाइम जो है ना, ये सारे बर्तन फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। और उसके साथ अलीज़ा के लिए भी खाना बना लिया था क्योंकि अलीज़ा का गला ख़राब था, उसने चावल खाने नहीं थे, तो इसलिए मैंने उसके लिए खाना अलग से बना दिया है और उसको मैंने फिर खाना खिला भी दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं बस उसकी डिश आउट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी कैसी लुक आई है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लेने हैं और उसके बाद जो है ना ऑलमोस्ट जो है किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की डे की रूटीन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए भी आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि क्या वीडियो होनी चाहिए, तो ये आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी अप्रिसिएशन होती है। और बस यहाँ पे जो था ना ऑलमोस्ट मेरा बर्तन वॉश करने वाला काम भी ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ ये पुलाव को और बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव की जो शेप बनी है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दम इसका बिल्कुल रेडी हो चुका था और ये देखिए ये है जिसकी फाइनल लुक। और यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको शो करती हूँ कि इसकी कैसी लुक बनी है। और ये देखिए चावल कितने खिले खिले से बने हैं, बीफ का पुलाव बहुत अच्छा बनता है और आप जिस मेथड से मैंने आपको बताया अगर आप बनाएंगे तो आपका काबुल पुलाव बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। और बकरीद के लिए आप स्पेशल इसको रेसिपी को रख सकते हैं
चावल देखें कितने खिले खिले से बने हैं और बहुत ही परफेक्ट किस्म का आपका पुलाव बनेगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ, दही के साथ और सैलेड वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उसको मैंने सैलेड के साथ सर्व किया था और चटनी के साथ। परफेक्ट सा पुलाव मेरा यहाँ पर है रेडी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अच्छा जो मैंने किया था जो काम स्टिचिंग वगैरह का, वो मैं आपको शो करती हूँ। ये सारे पजामा शलवारें जो थी वो लीजा को मैंने सेट किए हैं, बस ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह रिमूव करने हैं। इसका यूनिफॉर्म फिर मैं प्रेस करके रेडी कर दूँगी। अच्छा उसके बाद ये मेरी शर्ट थी, किसकी भी बाजू जो थे ना वो तंग थे थोड़े से, वो उसको मैंने खोलना था तो इसको मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था, बस इसकी मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। और उसके बाद ये शर्ट थी मेरी, अच्छा ये मैंने स्टिच शर्ट ली थी, इसकी ना मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैं आपको पूरी इसकी लुक शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मैंने लगाई है लेस, और बिफोर और आफ्टर की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। ये है जी आफ्टर की इसकी लुक, थोड़ी सी मैंने लूज़ रखी है क्योंकि नमाज़ के लिए वज़ू वगैरह करने के लिए ना बाजू ऊपर करनी पड़ती है तो तंग ना हो। तो यहाँ पे देखें जी लेस के साथ ये इसकी लुक बनती है, बहुत ही प्यारी लगती है। जो फ्रंट पे स्लीव्स के ऊपर लेस वगैरह लगी होती है तो बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आ गई है अब। और अगर आप बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी डिफरेंट लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा उसके बाद ये एक छोटा सा पीस लिया था मैंने आइजिल के लिए, और यहाँ पे मैंने बस उसको प्रेस करके उसकी कटिंग भी कर दी थी उसके ड्रेस के हिसाब से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये मैं सी दूँगी। ये कॉटन का है और बड़ा प्यारा सा इसका मस्टर्ड कलर है। अभी लाइट बहुत ज़्यादा है कमरे में, इस वजह से इतना अच्छा कलर इसका आ नहीं रहा, तो बस ये भी मैंने कटिंग कर ली थी। बस यहीं पर करूँगी मैं अपनी वीडियो को भी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।